वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान फॉर यू। दोस्तों, इस चैनल पर आप देखेंगे आध्यात्मिक देश और दुनिया से जुड़ी कुछ कहानियाँ। ऐसे ही आज की हमारी वीडियो का विषय है, गाय को माता क्यों कहा जाता है। चलिए जानते हैं, गाय को माता क्यों कहा जाता है। यह प्रश्न कभी ना कभी सबके सामने आता ही है। कुछ लोग इसका उत्तर देते हैं कि गाय हमें दूध देती है, जैसे माँ देती है तो इसलिए गाय माता है। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि केवल गाय ही दूध नहीं देती है, बकरी भी देती है, भैंस भी देती है, फिर गाय ही माता क्यों है। इसका उत्तर यह है कि गाय का और माता का दोनों का ही दूध अमृत होता है। अब दूध अमृत कैसे है, यह जानिए। आपको यह पता ही होगा कि इस दुनिया में कोई भी औषध ऐसी नहीं है जिसमें थोड़ा भी विष न हो, चाहे वह औषध आयुर्वेदिक हो या एलोपैथी की हो। आज आधुनिक डॉक्टर नवजात शिशु को दवाई देने लग गए हैं जो उसके लिए बहुत ही हानिकारक होती है, क्योंकि छोटा बच्चा विष नहीं झेल पाता है। आपको यह पता ही होगा कि हमारे आयुर्वेद में नवजात शिशुओं को दवाई नहीं दी जाती है, बल्कि उसकी माँ को दी जाती है, क्योंकि उसकी माँ के पेट में पच जाने के बाद वह दवाई उसके दूध में घुल जाती है, फिर दूध का पान करके नवजात शिशु के अंदर भी वह दवाई आ जाती है। अब यह जो दवाई दूध में घुलकर बच्चे के अंदर गई, इसमें थोड़ा भी विष नहीं होता है, क्योंकि सारा का सारा विष माँ के शरीर में छन जाता है और शुद्ध अमृत रूपी दूध वह बच्चा पी लेता है। ठीक इसी प्रकार जब गाय औषध चरती है, मतलब औषधीय गुण वाले फूल पत्ते यह सब चरती है, तो औषध के गुण उसके दूध में आ जाते हैं और उस औषध का विष गाय के शरीर में पहले ही छन जाता है और हमें अमृत रूपी दूध मिल जाता है। गाय के दूध और माँ के दूध में इस प्रकार कोई भी अंतर नहीं है, दोनों का दूध ही अमृत है, इसलिए गाय हमारी माता है। माँ के दूध के अलावा नवजात शिशु के लिए अगर कुछ भी खाने योग्य है तो वह गाय का दूध है। इसके अलावा गाय के दूध में 16 प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है, और यह मिनरल्स बायोटिक फॉर्म में ही होते हैं जिससे हमारा शरीर इसे आसानी से पचा लेता है। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो शेयर करें और कृपया कमेंट करें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब।